नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है हमारे भारत देश के संविधान का भाग नंबर 3, जिसमें हमें मूल अधिकारों के बारे बताया गया है। अब से हम ये पढ़ना शुरू कर रहे हैं और आज की पहली वीडियो है और पहला टॉपिक आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे भारत देश के संविधान के भाग 3 द्वारा हमें मूल अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। अब हमें एक एक करके इनको जानना है। इनमें आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 12। बिल्कुल छोटी सी वीडियो है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिकल 12 हमें क्या बताता है? राज्य की परिभाषा। अब आप कहेंगे राज्य की परिभाषा से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? देखिए, जब भी आप मूल अधिकारों को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसमें आप बार बार राज्य शब्द का यूज देखते हैं। मतलब जैसे आर्टिकल 15 हो गया, उसमें कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म के आधार पे, मूल के आधार पे, जाति के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये जो राज्य है, राज्य से क्या तात्पर्य है? अब आप कहेंगे राज्य से तात्पर्य बिल्कुल सिंपल सी बात है। राज्य से तात्पर्य कि हमारे भारत देश में इस समय 28 राज्य हैं, तो ये राज्य नहीं। यहाँ पे राज्य से क्या तात्पर्य है, वही हम समझेंगे कि जो अनुच्छेद 12 है वो राज्य की परिभाषा हमें देता है कि जो भाग 3 में राज्य शब्द का यूज किया गया है, उपयोग किया गया है, उसमें राज्य से क्या क्या तात्पर्य है। चलिए देखते हैं भाग 3 के लिए राज्य को परिभाषित। अब जो राज्य है इसमें क्या क्या आता है? भारत सरकार और संसद। मतलब हमारे भारत देश की जो सरकार है और संसद, वो भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। ये जो राज्य शब्द का यूज किया गया है, उपयोग किया गया है, इसके अंतर्गत भारत की सरकार और संसद आती है। फिर राज्य सरकार और विधानमंडल। जिस प्रकार केंद्र की सरकार और संसद आती है, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य की सरकार और वहां का विधानमंडल, मतलब वहां की विधायिका। फिर सभी स्थानीय निकाय। सभी स्थानीय निकायों से क्या तात्पर्य है कि जैसे पंचायत, नगर पालिका, ये सब भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। अन्य सभी निकाय, चाहे वो वैधानिक हो चाहे वो गैर संवैधानिक हो, तो ये सभी भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। इनके एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं जैसे LIC। तो LIC का अर्थ भी यहाँ पे, LIC भी राज्य के अर्थ के अंतर्गत आता है। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पढ़िए, उच्चतम न्यायालय। हमारे भारत देश के सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी निजी निकाय या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाहे अगर कोई निजी निकाय है, मतलब अगर कोई प्राइवेट निकाय है, अगर वो राज्य की तरह काम कर रही है, राज्य की संस्था की तरह काम कर रही है, तो वो भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में ही मानी जाएगी, राज्य के अर्थ में ही आएगी। तो अब आप समझ गए होंगे, राज्य से तात्पर्य ये नहीं है कि 28 स्टेट, वो राज्य यहाँ पे नहीं। राज्य से यहाँ राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, संसद, सभी राज्यों की सरकारें, विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय, चाहे सारे वैधानिक निकाय, सारे गैर संवैधानिक निकाय, या फिर कोई निजी निकाय भी, जो कोई निजी निकाय भी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही है, वो सभी के सभी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अंतर्गत माने जाते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे साथ ही सीरीज में बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।